आपके पास समय है। ये लीजिए सही जगह गेंद डाल दी सही जगह गेंद। इससे हल्के तरीके से आप बताइए कैसे आउट हो सकते हैं एक बल्लेबाज के तौर पे। और इससे ज्यादा विश्वास कप्तान आपको कैसे दिखाए। ताकि लेंथ गेंद, वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का लाभ उठा रहे थे। ये खिलाड़ी जब अच्छे फॉर्म में नहीं होता ना, खास रहा नहीं है। जेम विंस की भी अगर हम बात करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक गेंदबाज के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए अपना आपकी ताकत क्या है। हवा में खेल दिए और लीजिए इसे भी जोड़ दीजिए। शानदार कैचेस जो पकड़े गए हैं इस टूर्नामेंट में, उसमें एक और कैच हुआ शुमार। वाओ, देखना इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जितना बढ़िया एफर्ट था और आगे गिर कर उन्होंने कैच पकड़ा। आए और गए, कहां छुपा के रखा था ये गेंदबाज भाई, क्या शुरुआत की है। तेजी से गेंद अंदर आई, सटीक वो लाइन और वो लेंथ और टॉप ऑफ मिडिल स्टंप। जी हाँ, विकेट टेकिंग डिलीवरी। ओह, बच गए। क्या शुरुआत की है यार, मजा आ गया देख के। ओहो, लीजिए। ओहो, ये क्या हो गया, एक के बाद एक के बाद एक विकेटें गिरती चली जा रही हैं। कैच पहुंचे नहीं है मुकाबला खेलने के लिए। पहले बैटिंग करते हुए गल्फ जायंट्स जीती है, लेकिन अगर इस प्रदर्शन से खेलेंगे सामने से स्ट्रॉन्ग चुनौती है क्योंकि आज फील्डर्स बिल्कुल अलर्ट। स्लिप कहाँ है आपकी, ये लीजिए गेंद ऐसे भी चल रही है और उसमें स्लिप नहीं है, क्या कहेंगे आप। क्रिस लिन के विकेट पे एक बार नजर मारेंगे, क्रिस लिन जिस प्रकार से आउट हुए वो हाफ हार्टेड शॉट, पांच फील्डर ऑफसाइड पे इस चौके के बाद। ये करीबी मामला है ये जरूर देखना चाहेंगे कि ये ऊपर अंपायर को पूछेंगे या नहीं। हाँ, गुरबाज ने तो हामी भर दी है जी, ले लीजिए कॉर्नर साहब, क्या इरादा है। ले लिया है जी। पिच इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स अंपायर्स कॉल, इफ यू आर नॉट आउट डिसीजन यू आर ऑन स्क्रीन। ये खेल जो है ना, ये मार्जिन्स का है, इसी वजह से बच गए यहाँ पर हेटमेयर। रिव्यू तो सही लिया था, दूर रह जाता है ये। कमाल का प्रयास वहां पे, फ्लाइट में बीट किया था विंस और लय में नजर आते हुए। लीजिए कमेंटेटर्स गस, अभी बात ही की थी इस ओवर में पहली गेंद और तीसरी गेंद में वो चौका था, इस ओवर को बड़ा ओवर और बनाने की कोशिश में स्लॉग स्वीप। तब आप सुनते तो है नहीं, हमने आपको दो गेंदों के बाद ही कह दिया था कि भैया चार रन आ गए दो गेंदों पे, सिंगल लीजिए चुपचाप उधर चले जाइए। अब पिछली गेंद पे भी बाउंड्री आई जरूर, वो भी कैच छूटा था, लेकिन आप नहीं माने। केन रिचर्डसन जोर से बल्ला घुमाया था, ये जो अगर लगता तो सीधा वो सामने स्टैंड में जाता है ये गेंद। नहीं, फील्डिंग को, पर फील्डिंग का भी उतना ही महत्व है इस छोटे फॉर्मेट में। अभी कभार हम बल्लेबाजी और गेंदबाजी को ज्यादा महत्व दे जाए। ये तो चेंज कर दिया एंगल ही, मौका बना पर इस बार दूसरी दिशा में, और जिसके बात कर रहे थे विकेट तो गिर गया, अपने आप को रोक नहीं पाए, जोर से मारने की कोशिश, सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में हेटमायर का। ये देखिए मारना चाह रहे थे ग्राउंड के बाहर, बल्ले के लगी नीचे और वहां फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो भी साथ निभाना पड़ेगा, इतना आसान होगा नहीं। सामने ये गेंदबाज अलग है, स्टोन दौड़ रहे हैं पीछे गेंद के और लपक लिया। भी आसान नहीं होता पीछे की तरफ आप दौड़ रहे होते, क्रॉस द लाइन खेलने गए थे। क्रिस जॉर्डन ऊंची बहुत गई और
बहुत बढ़िया तरीके से जज किया था। कभी भी आसान नहीं होता जब बॉल वैसे पीछे से आ रही हो और आपको अपने कंधे के ऊपर से जज करना होता, जगह बनानी होती है। इस तरह से नहीं पहुंचेंगे, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। अब तो शायद 20 ओवर भी ना खेल पाए। नौवां झटका लगा, अच्छी गति से डालते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इस स्लोअर बॉल को छुपाया था। ओवरटन अपना शॉट खेल चुके थे। ये देखिए गेंद कितना लेट आता है, देखने को मिला नहीं है उनकी बैटिंग में। ये फिर से हवा में, एक और ये विकेट गिर गया। और डेविड वॉर्नर क्या करें, कप्तान है, फिर से चकमा खा गए। और उन्होंने जेमी ओवरटन ने उनको आउट कर दिया है। जोर से मारने की कोशिश, अंत में बल्ले के स्विंग को रोकने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो गई थी। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं धीरे किया था ये गेंद, और यही बात करी थी कि लेंथ नहीं पिक कर रहे हैं और थोड़ा सा बेट पीछे की तरफ और बल्ला आगे, साधारण सा रूल है। ऊपर गई है गेंद, देखना पड़ेगा कि फील्डर पकड़ पाते हैं या नहीं। जी हाँ, दूसरा विकेट, खराब शॉट खेलते हुए धीरे कर दी थी ये गेंद, कोई टाइमिंग नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर गई और कोई गलती नहीं वहां। जॉर्डन है तो सब मुमकिन है। ओह, ये है कमबैक डिलीवरी, ये है क्रिस जॉर्डन। मजा आ गया भाई यहां पे गल्फ जायंट्स को। पहला गेंद स्पेल का चाहे लूसनर चौका खाया, लेकिन अगला गेंद देखिए जो लाइन वो लेंथ और कितनी तेजी से बॉल टप्पा खा के अंदर की तरफ आए। ये देखिए किस तरह से चकमा दिया आपने, किस तरह से चकमा दिया, पता ही नहीं चला गेंद कब आई, कहां पड़ी और कैसे उनको चकमा देके निकल गई। बस धीमे गेंद डाला था, गेंद जो है सिलाई पे घूमी, एंगल गलत, लाइन पे खेल गए, बाहरी किनारा को बीट किया। चीजें सरल गिरती रहेंगी तो फिर मध्यक्रम के ऊपर और वो प्रेशर रहता है। तो जो आंकड़े अभी आपने विवेक भैया दिखवाए थे, और बॉल कर दिया यहां पर पहले ही गेंद पर आयान खान ने वापिस भेजा, वो भी किसको, सिकंदर रजा को। ओ वेल डन यंग मैन। देखनी पड़ेगी, ये देख सकते हैं सीधी गेंद अंदर से बोल्ट हो गए, बैट के अंदर वाले हिस्से से निकल गई, गेंद में कुछ खास नहीं था, माफ करना। आयान खान बीट कर दिया यहां पर। ओ Yeah, this there's a wicket, back to the cops. आइए हमारे पास आ जाइए, हम आपको समझाते हैं, हम बताते हैं what we think about the situation. सिचुएशन ये है कि सिचुएशन हो गई है बद से बदतर, लीजिए खुद देख लीजिए और खुद ही समझ लीजिए। फ्लिपर गेंद, वो आगे का गेंद पीछे चले गए, हवा में बिल्कुल बीट कर दिया।